बीते एक हफ्ते में मैं आपके माध्यम से कहूँ, कोई ऐसा दिन गया है जिसमें आपके पास एक सवाल ना हो किसी रेट का? कभी तमिलनाडु, कभी बंगाल, कभी बिहार, कभी दिल्ली, महाराष्ट्र, कोई न कोई राज्य। ये क्या साबित करता है कि चुनाव नज़दीक आ गया और पॉलिटिकल लाइन ले नहीं पा रही है बीजेपी, या टॉप जो इनके दो लोग हैं, तो इनको सीबीआई, ईडी वगैरह ना कहा जाए, बेकार बेचारे इन एजेंसीज को बदनाम कर रहे हैं। सत्ता शीर्ष पे बैठे दो लोगों को लगता है कि यही एकमात्र विकल्प है पॉलिटिकली डील करने का, तभी और बढ़ेगा। मैं आपसे कहूं कि प्रतिदिन एक सवाल आपका किसी न किसी रेट से होगा, और ये जाहिर तौर पर संदेश देता है कि चीजें कहां तक पहुंच गई हैं। देखिए, मैं तो साफ तौर पर कहता हूं कि ये जो उफान आ गया है जातिगत सर्वेक्षण का, हर जाति विकास के ताल्लुक से अपना आंकड़ा देखना चाहती है। इन आंकड़ों को डिनाई करने वाले एक्सपोज हो रहे हैं। मैं आज भी कहता हूं, एक बैलेट बॉक्स रख दीजिए और बीजेपी के सांसदों को कहिए कि बिना नाम लिखे जातिगत सर्वेक्षण पे हां या ना, जातिगत जनगणना पे हां या ना डालें। आश्चर्यचकित हो जाएंगे मोदी जी और अमित शाह जी। उनके अंदर के भी लोग जो इन समुदायों से आते हैं वो ये जनगणना चाहते हैं। अनुप्रिया पटेल जी तो खुल के बोल चुकी है। तो जाहिर तौर पे इसको मैं तो कई दिन से कह रहा हूं कि बिहार से जो सर्वे के आंकड़े आए हैं, प्रधानमंत्री जी को उन आंकड़ों को गले लगाना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार अगर समावेशी विकास नीति बनाती है तो उसके लिए ये समकालीन वैज्ञानिक आंकड़ों की जरूरत। मैं तो सीधे कहता हूं कि कहां ले जा रहे हैं आप? ये तरीके हैं कभी डिफेमेशन, कभी इस तरह की चीजें करना। अब गोलवलकर जी की किताब थी बंच ऑफ थॉट, उसमें तो बड़ी आपत्तिजनक चीजें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उघेड़ के रख दिया था 15 के चुनाव में, कि उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर में दलितों के एंट्री पे क्या बोला था, आरक्षण को लेकर के क्या बोला था। मैं दोहरा दूं तो मुझको डिफेमेशन करिएगा आप? ये ऐतिहासिक तथ्य है, स्वीकार करिए। आजादी के आंदोलन में आप कहीं नहीं थे, आप प्रतिगामी सोच वाले लोग हैं। नहीं, हर स्टेज पर पब्लिकेशन हुआ, हर स्टेज पर हर चीज कही गई, और ये कहना कि किसी को पता नहीं चला, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मिथ्या कोई चीज नहीं हो सकती है। कई जातियों के कुछ स्वयंभू नेता कहते हैं कि हमारा आंकड़ा कम कर दिया। अरे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, उनकी जाति का आंकड़ा देखिए, मुख्यमंत्री थे उसी को बढ़वा देते। ऐसे नहीं होता है, एक मेथोडोलॉजी फॉलो की गई, एक कंसर्टेड एफर्ट था, और ये महीनों चला, उसके बाद भी अगर आप ये कह रहे हैं तो ये उचित नहीं है। कैसे देख रहे हैं? नहीं, एक मंत्री का ये बोलना शोभा नहीं देता। केस करो ना, लूट हुआ है तो करिए, लेकिन ये क्या बात हुई? मनरेगा के ड्यू को लेकर के, ड्यूज को लेकर के वो यहां दिल्ली में थे। ये जो केंद्र सरकार समझती है ना कि तिजोरी उनकी बपौती है ना, ये लोगों का एक एक उनके खून पसीने की कमाई है, और उसमें अगर आप अपने विरोध के दलों की सरकार को परेशान करने की कोशिश करें तो आप नागरिक को परेशान कर रहे हैं, और इसके नतीजे आपको भुगतने होंगे।